told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. Hello, finally. दिल रो रहा है किसी का। क्या बड़े पहाड़ हैं और एकदम चलो धड़क। बोलता बोलता समजता आपली लँग्वेज बरोबर तुम्ही हिंदी मध्ये बोलत होते सकाळी तुम्ही कधी काल रात्री चेक केलं? काल रात्री चेक केलं दारच्यामध्ये काल रात्री काही आज सोडणार नाही असं सांगितलं त्यांनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनाली से पीछे का मस्त रेड रोज है देखो ये वाला एकदम तेरे जैसा ऊपर चल के बता। यही है शादी, हमारे शादी का 10 साल का स्पाइस। इसमें से सबसे फेवरेट कौन सा है तेरा? मोस्ट मोस्ट फोटो सब क्लासिक फोटोज हैं। ये वेस्पा वाली अच्छी लग रही है। ब्यूटी शुड बी एप्रिशिएटेड। हाँ नमस्ते। विटामिन डी खाएंगे रेडी है। गुड मॉर्निंग। मुझे तेरा कल वाला ब्रेकफास्ट ठीक है। आज जादू बनना पड़ रहा है। आज है क्या मंडे है ना? मंडे क्या 23 डेट ट्रिप पे रहता ना याद नहीं रहता। मैं यहाँ पे डाल दूंगा कौन सा डे है। और आज हम लोग का 22 में है आज। और आज हम लोग का प्लान था शिंकुला से होते हुए यहाँ पहुँचना गंगोरंजन, बट हम लोग को कल से थोड़ा सा डाइसी समझ रहा था कि नहीं है वेदर ख़राब है, शाम को वेदर ख़राब हो रहा तो शिंकुला पे बर्फ़ हो जाती है और फिर बाइकर्स को नहीं। अगर यहाँ पर ग्लूमी हो गया या थोड़ी भी बारिश हो गई ना दैट मीन शिंकुला पे बर्फ़ पड़ेगी। और बहुत सारे लोकल से भी पूछा, गॉर्डन से भी पूछा हु रन्स दिस राइड इन कैफ़े, वो बोल रहे थे कि अभी से एग्जैक्टली अभी आज तक वेदर ख़राब है, एग्जैक्टली आज से 4 दिन बाद वापस वेदर ख़राब होगी तो आप लोग को शायद आप लोग पदुम पे अटक सकते हो क्योंकि शिंकुला बंद हो गई तो आ नहीं सकते हो, या फिर आपको ले वाली रूट करनी है। लेकिन पदुम में 5-6 दिन भी रहना पड़े चलेगा, बट वो ले वाली रूट तो हमने करनी नहीं है। इधर ही आके मतलब वही वाले शिंकुला वाले रोड से ही करना है हमें। एंड ऑल्सो नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पर अभी धूप निकली है तो ये अपडेट है कि वहाँ ऊपर अभी सब सही हो रहा है, लेकिन हम लोग सुबह 6 बजे से रेडी होके बैठे हैं। हम लोग एडिटिंग कर रहे थे, वी वर किलिंग आवर टाइम। लेकिन फिर अभी फाइनली हमें ये पता चला है कि आज भी वो पूरा क्लियर करेंगे बिकॉज आज वेदर अच्छी हुई है यहाँ पर। एंड देन फ्रॉम टुमारो अपडेट्स जो भी रहेगा आप लोग को बताएंगे। हम लोग भी अभी पूरे डाई से बिकॉज वी आर बिट अर्ली फॉर ज़ामस्कार एंड लद्दाख, बट अगेन दैट्स द थ्रिल, दैट्स एडवेंचर राइट गाइज। तो देखते हैं हाउ इट गोज, विल लेट यू नो। पूछेंगे और फिर बताते हैं। पूछेंगे एडिटिंग भी चल और टेस्टी ब्रेकफास्ट स्क्रैम्बल्ड एग बिग बीन्स। सचिन के बाइक पे लग रही है अपनी व्रूम टुरटुक वाटरप्रूफ टेल बैग 50 लीटर साइड पॉकेट्स नहीं है, डिटैचेबल साइड पॉकेट्स तो हो गया 66 लीटर। वाओ ओ हनी भी थी, काटने मत देना उसको, खुद को से गोले करती है वो। तो इसमें है हम लोग के काफ़ी वाइजर स्लीव वगैरह है, बॉटल है, देन ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें है। जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश राइड पे गए थे तो हम लोग फ़ोन पर लिख कर गए थे कि कौन से बैग में और कौन से ड्राई बैग में क्या है, बट ये वाले राइड में ऐसा हमने कुछ करी हुई नहीं है क्योंकि सामान काफ़ी कम है। उधर हो गया अपना रूम टूटुक का वाटरप्रूफ टेल बैग और इस पर मेरे वाले बैग में ओरेली एडिशन है। ये नॉर्मल अपना जो Xpulse4V है उस पर अपना जाएगा तवांग का। हम लोग ने रेन कवर जो है वो लिया नहीं है क्योंकि ये अपना वाटर प्रूफ है, जरूरत नहीं पड़ती है। अरुणाचल राइड पे भी जरूरत नहीं पड़ती, भूल गए इसको बोलते और कॉन्फिडेंस। और हम लोग और बारिश का एक अच्छा नाता है। एक तो मेन ड्राई बैग लगी हुई है एंड बाकी जो भी सामान है हम लोग के कपड़े वो भी और एक्स्ट्रा ड्राई बैग में रखे हुए राइट 100 के 200% वाटरप्रूफ हो गया। बस वो मन की खुशी के लिए मकवर लगाना होता है, वो बैग गंदी होती है इसके लिए वो लगाना पड़ता है। और ये जो बैकरेस्ट है पीछे बाजू हम लोग ने लगाया है, आप भी वैसा कर सकते हैं अगर आपको बैकरेस्ट नहीं चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा लगेज के लिए एक बैकरेस्ट एक पाउच चाहिए तो ये यहाँ पर आप लगा सकते हो। लेकिन क्योंकि सचिन का सीट नैरो है थोड़ा, सिंस एक्सपल्स पे माउंटिंग पॉइंट्स कम है, जी हुक वाला यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पे देखो ये वाला माउंट किया है डायरेक्टली, ये जो टेल का जो है ना ये वाला सेक्शन उसमें लेके ये डायरेक्टली इसमें डाला, बिकॉज इसमें सैडल स्टैंड नहीं है, इसलिए सैडल स्टैंड नहीं है, माउंटिंग एंकरिंग पॉइंट नहीं है, सीट छोटी है। यहाँ पे कहीं पे रखोगे ना उस बार बार आगे जाएगा। अभी देखो फ्रंट के स्ट्रैप्स लगाए भी नहीं है तो अभी ये देखो आगे जाएगा ही नहीं। यू हैव टू फाइंड सच एंकर पॉइंट जिससे आपकी बैग आगे नहीं जाए। नहीं तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है बैग लगाते हैं उसके बाद बंजी बांधते रहते। फिर भी हम लोग इसके ऊपर कैम स्ट्रैप लगाएंगे बिकॉज कल से हार्डकोर ऑफ रोड चालू होने वाला है, तो बिल्कुल भी लेफ्ट राइट हिलना नहीं चाहिए नको आम्हाला। एक प्यारा सा मील बिफोर वी हेड इनटू ज़ंस्कार। और मैगी सोचो कि ये लोग खाते कितना है। हाँ ना, ये दोनों किस टाइप के लोग। चलो लिविंग फ्रॉम द राइडिंग फाइनली। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, हल्का है। मेरा बटन दबा देख। All set now। गियर्स में पूरा चल के आने में थक जाते हैं। दे दे। सब हो गया। She writes all the things, जो भी स्क्रिप्ट होता है क्या कैसे करना है ना सब कंटिन्यूस चलता रहता है। कौन सा रील क्या करना है, कौन सा रील में कौन सा म्यूजिक डालना है, सब जैसे मैंने तेरे को इतने साल से सिखाया है सब अच्छे से कर रहे हैं। चलो गणपति बप्पा मोरिया। चलो इसका रूट जो हम लोग का होगा यहाँ से सिसु जहाँ पे हार्ट शेप का वाटरफॉल है अटल टनल से होते हुए ऑब्वियसली, एंड देन जिस्पा। लेफ्टा टुवर्ड्स रोहतांगला, दारचा, बारालाचला, सोलंग वैली, अटल टनल, रोहतांग। वाह, रोहतांग का मुझे तो याद नहीं है अभी। बाइकर्स मतलब एटलीस्ट अपन जा सकते हैं क्या? आई वुड से सारे पासेस एक जगह, रोहतांगला एक जगह। मस्त, वो ऐसा लग रहा है पेंटिंग ही है, एक साइड में ब्लैक शेडिंग ऊपर से व्हाइट। वाह, खूब चांगला वाटतो है। बहुत मेहनत का काम है ट्रैकिंग भी, वो भी ये ऑल्टीट्यूड पे। और 10 किलोमीटर में अटल टनल आएगा, सुरंग कई सुरंग। ये कौन 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 फेंका साला किसी ने तो वादियों में। मतलब क्या करेंगे, अपने स्कूलिंग में इश्यू है एक्चुअली। हम लोग दिल्ली में भी देख रहे थे, थार में बंदा एकदम डैशिंग चश्मा पहन के सिगरेट निकाला, लास्ट सिगरेट, और पूरा पैकेट ऐसा रास्ते पे फेंक दिया। मतलब 20 लाख की गाड़ी लेने का तेरे पास है लेकिन अक्ल नहीं है। अच्छा दिख रहा है तो ब्लू ब्लू में। वाव था ये। बीचों बीच ट्रक बंद पड़ा है। चलो फाइनली चश्मा वश्मा निकालना है तो निकाल। नहीं, अंदर लाइट है। ये टनल एकदम पॉश टनल है, नाइस सा। अब मिलेंगे एकदम वो साइड में, वो अलग ही लगता है वो साइड में जाने के बाद। किरण जाना इधर राइट साइड में रोहतांगला में। राइट रोहतांगला। सिर्फ सेल्फियाँ चल रही है सब जगह पे कंटिन्यूस। हर ऐसा मन आप लोग को तो पता ही है, हर 5 मिनट बाद ऐसा लगता है कि गोप्रो चालू करते रहो। बताओ आप लोग को कितने मिनट्स के वीडियो पसंद आते हैं? 20, 25, 30 मिनट। वाटरफॉल दिख रहा है हाँ, तो उसके आजू बाजू में देख, आँख छोटा करके देख। हाँ, ऐसा हार्ट जैसा है। हाँ वैसा है, दिल रो रहा है किसी का। तो कैसा लग रहा है लोकेशन? एक कब से बोल रही थी कि मुझे अच्छा लोकेशन चाहिए, अच्छा लोकेशन। कैसा लग रहा है लोकेशन? पाहिजे होता आम्हाला, एवढा चांगलं वाटतो इकडे आता। पर हमेशा से ना वो सिसु लेक है ना, वो हम लोग देखते हुए उस साइड से चले जाते थे। अभी हम लोग ने इस बार सोचा था कि सिसु लेक रुकेंगे और वो हार्ट जो रो रहा है उधर रुकेंगे इस बारी, कभी नहीं रुकते, इतने साल से आ रहे हैं, आज मस्त लग रहा है। रुके एक बार उधर बाइक लगाया था, गिरे भी थे, एफजी था, बट इट वाज जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड। और बहुत ट्रैफिक थी रे, आज बहुत शांति है। अच्छा ये थोड़ा पार्किंग जैसे ऐसे बना दिया ना, मंडे आज खूब खूब कमी लोग। आप लोग ये आईने में देख रहे हो स्नो क्लैड माउंटेन्स, वाह अभी बहुत सारी स्नो क्लैड माउंटेन्स ऐसे मिलने वाली है। लेट्स गो। आप लोग को ना ऐसे लोग बहुत दिखेंगे यहाँ पर, मतलब ऑब्वियसली ठीक है लोग सब लोग पिकनिक मनाने आए तो वादियों में खड़े होकर सिगरेट फूकना, दारू का बोतल वोटल फेंकना, वो सब तो नॉर्मली है। लेकिन एक जो अचंभित होने वाली चीज़ मैंने ये देखी आज कि एक बंदा, मतलब ऐसे 5-6 बच्चे लोग की ग्रुप थी जो बाइक्स का कुछ ऐसे ब्रेक का विली मारकर वीडियोस निकाल रहे थे। वो बंदा आगे गया और वो अचानक से यू टर्न मारा और एक ज़ोर से है ना वो टेम्पो ट्रेवल्स रहती है ना वो आ रही थी, उसने जो प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग मारी है ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस आप लोग को, मतलब वो बंदा ठुका ही जाता था ऑलमोस्ट, मतलब उसको फिर उसने इतना, मतलब वो। और मेरे को अच्छी बात क्या लगी पता है, वो टेम्पो ट्रैवल ने ना कुछ नहीं बोला उसको, वो अपना बचाया उसने अपनी ये बम और वो चुपचाप अपना चलता चला गया। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम। देखो ये ऐसी वाली ये थी टेम्पो थी, तो आई लर्न फ्रॉम हिम कि कुछ भी हो जाए अपना जान बच गया तो चुपचाप निकल जाने का। अभी अगर वो अपना जान बचाने के टाइम पे तो बीपी हाई, ऊपर से वो बंदे को सुनाने की अलग बीपी हाई, तो वो उससे अच्छा है ना अपना जान बच गया ना निकल जाने का चुपचाप, क्योंकि ये लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं। वो बंदा ने फिर से सेकेंड टाइम रिटेक देना था उसको, उसने सेम किया। तो इससे ये समझ में आता है कि वादियाँ एंजॉय करनी है, अपनी जान बचा के चलनी है और ट्राई करना और नीचे ज़्यादा देखना नहीं है। सचिन ने मेरे को रिमाइंड किया अभी, क्योंकि पता नहीं यार, ठीक है सचिन बोलता है उसको अच्छा लगता है नीचे देखना, उसको अच्छा लगता है कि कितने डेप्थ के ऊपर वो चला रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मुझे तो भाई साहब नहीं होता। और यहाँ पर ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि इधर थोड़ा कुछ बैरिकेटा लगा दो, मैं सब बीचों बीच ना चलाऊँ, फिर थोड़ा लाइन में चलाऊँ मैं। कौन कौन यहाँ पर हाइट फोबिक है मुझे पता है, मुझे जानना है। यहाँ पर वो गाना मतलब याद आ रहा है, कहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हम लोग जब तेजपुर की तरफ जा रहे थे तभी ऐसा ही सेम रूट था, मतलब बहुत ज़्यादा सेम दिखती है पहाड़े। टंडी पहुंच जाएंगे अभी 19 किलोमीटर्स में। और अगर आप लोग को पेट्रोल भरना होता है, अगर आप लोग मनाली टू लेक करने वाले हो तो पेट्रोल यहाँ से टंडी में भरा कर फिर आगे निकले। आई थिंक एक और, हाँ सचिन ने बोला भी एक और पेट्रोल पम्प चालू हो गया है, सब लोग को टंडी का पता है तो वहाँ पर रश काफ़ी रहती है, तो आप लोग ट्राई करें कि वो, हम लोग ने लास्ट टाइम, अगर लास्ट वीडियो देख पाते हो तो देख ले, वहाँ पर जब हम लोग डाइगर और वीस्ट्रोम से आए थे तब हम लोग ने वहाँ पर ये भराया था पेट्रोल और वहाँ पर काफ़ी कम रश थी। हम लोग तो ज़ांस्कर के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल लेकर चल नहीं रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छी एवरेज दे ही देती है। और पदुम में है पेट्रोल पम्प। क्या बड़े पहाड़ हैं यार, होता नहीं पूरा। अबे राइडिंग बूट पे ना करना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बट हो गया यार। छोटा सा इतना इतना टाइनी सा पप्पी है, तू भी और एक है। सब लोग छोटे से ये शाम को थोड़ा मस्ती होने लग रहा है। इतना मजेदार लोकेशन था ये और ये डॉजीज, उन्हें बहुत मजा आया। अपना व्रूम मैग्नेटिक ये टैंक बैग जार्विस के वजह से इतना सही हो रहा है ना, 2 मिनट में जिप खोल के कैमरा निकाल लेते हैं, बहुत सुविधा है। मिस्ड यू मिस्ड यू। यस एंड दिस इज राइनॉक्स का Vstrom650 ग्लव्स। आई लव इट बिकॉज ब्रेक इन होने के पहले पहले ना थोड़ा मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन ब्रेक इन होने के बाद जो हाथ का शेप लिया है ना मेरा, आई मीन लवली। ये प्रोटेक्शन देख रहे हो यहाँ यहाँ हो, और देखो वेंट्स बहुत है आपको वेंटिलेशन के लिए गर्मी में स्पेशली। और सबसे अच्छी चीज़ ये 2 चीज़ आपकी जुड़ी हुई है। और ये देखो लेयरिंग चालू हो गई है क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। सचिन बोल रहा है गोल्डन लाइट के लिए भी रुकने वाले हैं, मेरे को पता है अपन कैसे है, बट चलते हैं, अभी 1 घंटे की और राइड बाकी है। ऑल राइट कुछ छोड़े तो नहीं यादों के अलावा। मैं जब भी सचिन बोलती हूँ ना सचिन कुछ छोड़े तो नहीं, बोलता यादें। घर में जाएंगे ना तो ऐसे टैन हुए रहते हैं ना हम लोग। सनस्क्रीन आपको भर भर के लगानी है लद्दाख टेरेन पे, याद रखें। और पानी का फ्लो बहुत बढ़ चुका है, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी वाटर क्रॉसिंग करोगे ना आप, तो शाम के टाइम पे है ना ट्राई करो जितना जल्दी पहाड़ों में हो सके ना निकल जाओ, क्योंकि शाम के टाइम पे पानी की जो फ्लो है वो बढ़ ही जाती है। सनडाउन होता है, पानी की फ्लो बढ़ जाती है, और अगर उस टाइम पे वाटर क्रॉसिंग करना पड़े ना आपको तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। हम जब सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके निकले और अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच जाए। यहाँ पर पहाड़ों में पेट्रोल भर के चलेंगे हम। भैया ठंडी है ना ये, ठंडी का पेट्रोल पंप। हाँ क्या एक और पेट्रोल पंप खुला है क्या पीछे? किधर खुला है? इधर से आगे। अच्छा हाँ, पहाड़ों पे ट्रैफिक। मूवीज में पता है ऐसे बकरियाँ लगा दिया रास्ते पे, मतलब टेररिस्ट अटैक होने वाला है। पता है कितने हम लोग बहुत वेब सीरीज देखते गए, हम लोग बहुत, मतलब हम लोग का फ्री टाइम में, अगर फ्री टाइम बहुत कम मिलता है लेकिन अगर मिलता है तो दिस इज़ व्हाट वी लाइक टू डू, वॉच मूवीज अ लॉट। एंड सचिन लव्स वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज। वो बहुत पहले शादी के पहले भी है ना, हम लोग जब फ़ोन पे बात करते थे तो मैं बोलती थी क्या कर रहा है, बोलता आज मैंने 2.5 मूवी ख़त्म किया, आज मैंने 1.5 मूवी ख़त्म किया। वो रात को ऐसे पूरा लाइट्स ऑफ करता था, लैपटॉप खोलता था, कान में ईयरफोन्स डालकर हॉरर मूवी देखता था। तो अभी मेरे साथ रह रहे के हॉरर मूवी बंद हो गई है उसकी। सो वी वॉच लॉट्स ऑफ वेब सीरीज़। मतलब मैं अभी आपको 5-6 बता दूंगी जो आप लोग अभी बिंज कर सकते हो। सोनाक्षी सिन्हा का दहाड़ देख लो, फिर एक जाबाज करके एक है बहुत ही सही है, वो देख लो। ए मस्ती खोर डॉजीज वेलकम टू लद्दाख। ये नहीं आए तब तक मज़ा नहीं आता है लाइफ में, है ना। बस लेमन टी मारेंगे और फिर निकलेंगे। की चाय चलती नहीं है ना अपने को, दूध पता नहीं जम ही नहीं रहा है आजकल। और ऑमलेट ब्रेड खा के थैंक यू जी जा रहे हैं हम लोग व्लूम करने के लिए। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा सचिन को भी चिपकती हूँ और यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा चिपका के रखाती हूँ। चेप हो गई मैं थोड़ी, सॉरी यार। मैनेज कर ले। यार एक ही बंदे से तो चेप होना है लाइफ में, लाइफ भर में। तो हो ही सकते हैं। और वादियाँ देख कर ना अलग सा रोमांस जाग जाता है यार, क्या बोले अभी। अच्छी में आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ के साथ आना चाहिए यहाँ पर। तो गर्लफ्रेंड के साथ आओ या फिर वाइफ के साथ आओ, दोनों को साथ में लेके मत आओ। ए पहले है ना तू अपना ये बंद कर, हर टाइम खुला रहता है जीन्स। हाँ सुविधा नहीं चाहिए हमेशा, इसका जीन्स का भी और इसका भी। ओके ये देखो गाइस, वो मैंने पीछे बताया था आपको, वैसे ही देखो यहाँ पर 8 किलोमीटर में उन्होंने बोला था एक फ्यूल स्टेशन और है, यहाँ पर भी आप भरा सकते हो। ठंडी में कैसे ना वो पहला ही एक फ्यूल स्टेशन रहता है, तो मॉर्निंग में ना फिर बहुत ज़्यादा रश रहती है वहाँ पर। ये है ना जिसपा मैं आके कभी ऐसे स्नोक्लड दिखी नहीं है। मतलब कल का दिन जिंदगी का सबसे मज़ेदार भी बोल सकते हैं, और पता नहीं वो अभी एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। लेकिन बोलते ना ज़बान पे सरस्वती होती है, तो सब सही सही बोलोगे, सही सही होता चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, वेदर बहुत अच्छा रहेगा, बाइक बहुत अच्छी रहेगी, हम दोनों का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम एंजॉय करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो राइड के बीच बीच में, हमें जब भी टाइम मिलता है हम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है यार, करते रहो। ऐसा लगता है वी हैव वी हैव अ फैमिली जो हम लोग के बारे में फ़िक्र करता है, यू नो, खुद के फैमिली के अलावा भी तो अच्छा लगता है बहुत। आ रहा हूँ। मुंबई से, हेलो। मैं मुंबई, गुजराती नहीं आता बट केम चो आता है। हम लोग मुंबई से। आपको बाइक पसंद है? बहुत। ये नाम से वो बोल रहे हैं हम लोग को वीडियो में लेना। हाँ हो ना तुम लोग। तुम लोग का नाम बताओ। और अभी क्या मई की छुट्टी चल रही है एग्जाम्स के बाद? एग्जाम्स कैसे गई? बहुत अच्छी, बहुत। ऐसा लग रहा है घर में आई हूँ मैं, बच्चों ऐसे भागते हुए। 98 अच्छा रिजल्ट में आ गया 98% 30। वाव नाइस। बड़े होकर क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर आपको? फिर वो ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। ट्रैवलिंग क्या? बाइकर बनेगा। वाह, दे ताली दे, ताली दे। बाइकर ये तो बाइक बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा है तो मेरा आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। ओह नाइस नाइस। छोटे छोटे बच्चे लोग को पता ही लाइफ में करना क्या है। साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट। तुझे डॉक्टर। वाओ। मैं फुटबॉल बनूंगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूंगा। वाओ नाइस नाइस। सब चीजें ट्राई करने का जो। हाँ ये कौन सा बाइक है? हीरो का। ये हीरो का एक्सपल्स है। और ये सेम है दोनों। सेम। मैं हरियाणा से लिया। हाँ वो कंपनी का बाइक है। कितने दिन लगे? बाय। राइट, ऑल राइट। हम लोग जा रहे हैं हमारे कॉटेज की तरफ। हाँ ये कॉटेज में हम लोग हर साल इधर ही रहते हैं क्योंकि काफ़ी क्लीन एंड नीट है। वाइट क्या बोलते, वाइट कलर का तेरा पिलो कवर था ना, और रूम से बाहर निकलते ही बाइक से रहती है अपनी। तो अभी डिनर के लिए जाएंगे। ये बाइक बहुत फोटोजेनिक। हाँ ये दोनों हिमालयन हमारे बाजू में ही रह रहे, और ये लोग शायद डिनर गए रहेंगे। और ये दोनों हिमालयन वालों को कल, ये लोग कल नहीं आज शिंकुला जाने के लिए दिया नहीं है, और अभी भी हम लोग को यहाँ पे जो केयरटेकर है वो बोल रहे थे शिंकुला जाना है तो 6:30 बजे यहाँ से निकल जाओ, 7 के बाद में जाने नहीं दे रहे। हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो देवर लाइक अ किड्स दे रहे हैं, कल जाएंगे, कल निकलेंगे, आज आने नहीं दिया, हम लोग को रिटर्न आना पड़ा। तो यस कल जल्दी निकलना है। वी हैव टू स्टे स्ट्रांग। यस यस यस। ठंड नहीं लग रही है। काय ना बोलला तुमचा? प्रसाद अभिजीत। सो ये लोग पुणे बारामती से है, तो बोलता बोलता समजतं आपले लँग्वेज बरोबर। तुम्ही हिंदी मध्ये बोलत होते सकाळी, तुम्ही कधी काल रात्री चेक केलं? काल रात्री चेक केलं दारचामध्ये। काल रात्री काही आज सोडणार नाही असं सांगितलं त्यांनी। अच्छा, तो कल रात को पूछा था दारचा में कि आज नहीं छोड़ने वाला, तो हम लोग को पता था, गॉडविन ने बोला था कि आज मत जाना, बिकॉज हम लोग का आज का प्लान था मनाली से जिस्पा और गोनबोरंग शिंकुला करके वहाँ पहुँचने का था, बट वो हम लोग ने स्किप किया। तो अभी नाउ वी आर इन जिस्पा, और कल सब लोग साथ में ही निकलेंगे मोस्टली, बिकॉज वहाँ पे गेट पे दारचा के आगे 7 के बाद नहीं छोड़ रहे, तो वी हैव टू बी देयर बिफोर 7 o'clock। तो यहाँ से 6:30 के आसपास निकलेंगे। सकाळी ब्रेकफास्ट सांगू ना लवकर, सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट दे देना हम लोग को। वो सर लेने लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा क्या? अच्छा थोड़ा लेट भी जा सकता है, क्या बात है भैया, फिर अच्छी बात है। नोटिफिकेशन 10:30। अच्छा हाँ। तो हु चालू हो गया है। और अभी यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर दे बिकॉज अभी एडिटिंग करना है आप लोग के लिए। ये वीडियो परसों आएगा, हम लोग अभी आज एडिट करके इसको स्केड्यूल करके जाएंगे बिकॉज यहाँ पे सिर्फ जियो का नेटवर्क चालू है, मेरे पास एयरटेल भी है। तो ऑलवेज़ कैरी टू सिम कार्ड्स, जियो एंड एयरटेल, और पोस्ट पेड ट्राई करो लेके जाने का। लेकिन लास्ट टाइम जियो भी ना बहुत मुश्किल से अपलोड किया था, रात को करना पड़ रहा था। तो अभी भी देखेंगे कैसा है, अगर नहीं आता परसों का वीडियो मतलब समझ जाना नेटवर्क का इश्यू है। चलो, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड बहुत ज़्यादा हम लोग को विशेष देना कि आगे का राइड, कल का राइड हम लोग के लिए बहुत सुखद हो और एकदम सुखरूप राहु द्या। हाँ। अभी डर लग रहा है आज? हाँ।